नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम के चयन के साथ ही वर्ल्ड कप में खेलने वाली भारतीय टीम की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। यूवी और रैना जैसे दिग्गजों के साथ अब इन चार संभावित खिलाड़ियों की वापसी की संभावनाएँ पर विराम लग गया है। जडेजा, रहाणे, कार्तिक और उमेश की संभावनाएँ समाप्त। मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने कुछ दिन पूर्व कहिया कहा था कि रहाणे और उमेश जैसे खिलाड़ी अभी भी वर्ल्ड कप के लिए टीम में नज़र में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में इन दोनों का चयन नहीं हुआ। हालांकि उमेश T20 टीम में जगह बनाने में सफल रहे, वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार खेल दिखाने के बावजूद कार्तिक और बिना मौका दिए जडेजा को टीम से बाहर कर दिया गया। अगर इस चयन को संभावना मानी जाए तो इन चार खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप में खेलना का सपना अधूरा रह सकता है। आखिरी तीन वनडे की टीम ही वर्ल्ड कप की संभावित टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी तीन वनडे में के लिए टीम चुनी गई है। उस टीम को वर्ल्ड कप की संभावित भारतीय टीम मानी जा रही है, जिसमें धवन और रोहित के साथ राहुल को तीसरे ओपनर के तौर पर जगह मिली है। वहीं मध्यक्रम में युवा ऋषभ पंत, कोहली, रायडू और धोनी के साथ जगह बना पाए। पांड्या, केदार और विजय शंकर के रूप में तीन ऑलराउंडर को जगह मिली है, जबकि गेंदबाजी भूवी, समी और बुमराह की टिकड़ी के साथ चहल और कुलदीप शामिल हैं वर्ल्ड कप की संभावित टीम। शिखर धवन, रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, अंबैती राडू, MS धोनी, ऋषभ पंत, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव। इस वीडियो में बस इतना ही, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरें रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।